लेफ्ट पे मुड़वा दीजिए। इक्यासी में आपसे मिले थे विकास के लिए, क्या योजनाएं बहराइच के लिए चला रहे हैं पूरे प्रदेश के लिए? नगर विकास इस समय जो भी लोकल बॉडीज के द्वारा जो अनुमान्य सुविधाएं हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो और चाहे स्वच्छता हो या गड्ढा मुक्त सड़क, सभी के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशीलता दर्शाते हुए हर सुविधा जनता को दे रही और आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में रहे, इसलिए हमने स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता चलाई है और उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से नगर निगमों में रैलियां भी कर रहे हैं ताकि हमारा उत्तर प्रदेश अपनी स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता में पीछे न रहे। 2017 में हम 32वें स्थान पर थे, बनारस में केवल एक जिला था। 2018 में 3 जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया और अब हमारी ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश शहर स्वच्छता में कामयाबी हासिल करें, बेहतर प्रदर्शन करें और उसी लिए प्रयास जारी। जहां तक बहराइच का सवाल है, अमृत योजना में जो भी पेयजल की योजना ये बना के भेज देंगे उसको हम स्वीकृत कर देंगे, किसी प्रकार की पानी की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा मलिन बस्तियों में जो सड़क नाली खवंजा बनना है उसके लिए भी कोई कमी नहीं, आप जितना प्रोजेक्ट भेज देंगे उतना। क्या बहराइच को कोई स्पेशल पैकेज दे रहे हैं? 450 लोग आवास पूरे हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार क्या कदम उठा रहे हैं जी? स्मार्ट सिटी को लेकर, स्मार्ट सिटी तो 10 शहर उत्तर प्रदेश में घोषित किए गए, उसमें सब में काम चल रहा है। अभी कुछ दिखाई नहीं दिया क्या? अरे कहाँ की सर है बहराइच अभी आप स्मार्ट सिटी में विशेष रूप से पार्किंग है, हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सड़कें हैं, ये अतिक्रमण मुक्त शहर है, हर तरफ काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपको दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद।